अभी अभी माइनॉरिटी फेलोशिप पे अटैक है। ये अटैक इसलिए है क्योंकि इनको एक वन नेशन वन रिलीजन बनाना है। लेकिन ये सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार जो फंड कट्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, जिस तरीके से टीचर से मुहिम किया जा रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक खास तबके की पढ़ाई वहाँ पे हो पाए, इसकी कोशिश ये सरकार कर रही है नेट को MNF के लिए कंपलसरी करने का। अदरवाइज क्या लॉजिक है सरकार का, ये मुझे लगता है हम में से सारे लोग इस बात से क्लियर है कि एक स्कॉलरशिप जो एक्चुअली एनकरेज करने के लिए दिया जाता था कि आइए और पढ़िए, हायर एजुकेशन में माइनॉरिटीज़ का भी उतना ही हिस्सा हो सके, क्योंकि सबसे डिप्राइव्ड एक सोशल बैकग्राउंड से जो लोग आ रहा है उसको आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना होगा, तभी वो आगे जा कर के अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। अगर आज आप रिसर्च करेंगे हायर एजुकेशन में इनके काऊ पे, इनकी गौ माता पे, तो बहुत अच्छा लगेगा इनको, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन आपका रिसर्च ट्राइबल्स पे होगा, आपका रिसर्च नर्मदा पे होगा, तो आपको विछंड करके आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बैठ के कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट क्लियर करवाते थे, वो आए ही HRD मिनिस्ट्री में इसलिए हैं ताकि वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो स्मृति ईरानी नहीं लागू कर पा रही थी वो ये लागू कर सकें। बहुत सारी सरकारें आई गई 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन आप इतना याद रखिए जो छात्रों की एकता है वो 5 साल 10 साल 15 साल की नहीं है, उसको बनाने में कड़ी मेहनत लगी है, उसको बनाने में कई लोगों के खून बहे हैं इस सड़कों पर।